निराश्रित गोवंश के संरक्षण संवर्धन एवं उनके उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम गोकुल गोवंश आश्रम स्थल समिति की गठन को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को एक बैठक आयोजित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी एवं पशु चिकित्सा विभाग से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रगति रिपोर्ट समीक्षा की। गोवंश के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में गौ संरक्षण केंद्र एवं अस्थायी गोवंश आश्रम की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए तमाम विभाग लगे हुए हैं। उसी संबंध में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह को इस संबंध में जानकारी दी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा, जिला कृषि अधिकारी अरविंद कुमार सिंह, जिला उद्यान अधिकारी सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। परम आदरणीय उपविकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गोवंश संरक्षण संवर्धन एवं उसके उत्थान के लिए जनपद स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको और किस तरह से हम अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है कि हम प्रदेश के अंदर जो भी हमारा गोवंश है वो संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे और वो लावारिस या निराश्रित के रूप में सड़कों पे या बाजार में इस तरह से ना घूमे, जिससे कि वो जन सामान्य को उससे कोई नुकसान हो या हमारे कृषकों की फसल को, किसान भाइयों की फसल को उससे नुकसान हो। इस तरह से गोवंश का संरक्षण किया जाए और उनका संवर्धन किया जाए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक योजना प्रारंभ की है कि प्रत्येक जनपद में उनके संरक्षण के लिए वृहद गौ संरक्षण केंद्र बनाए जाए, ग्राम पंचायतों पर, न्याय पंचायतों पर मनरेगा योजना के अंतर्गत अस्थायी आश्रय स्थल बनाए जाए, नगर पंचायतों में काला उपवन बनाए जाए, तो उसी के अंतर्गत सर जनपद में एक वृहद गौ संरक्षण केंद्र का निर्माण तहसील गोला ग्राम गाजेगढ़ा में किया गया है सर, जिसका निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और आगामी निकट भविष्य में उसमें पशुओं का संरक्षण किया जाएगा। नगर पंचायत फलगंज में भी काना उपवन का निर्माण किया गया है सर। हमारे ग्राम पंचायतों में 20 अस्थायी आश्रय स्थलों का निर्माण सर मनरेगा योजना के अंतर्गत किया गया है, जो कि लगभग पूर्ण हो चुके हैं और उनमें गोवंश, ताकि आगामी वर्षा ऋतु के समय में पशुओं के खान पान के लिए या भूसा की कोई कमी ना होने पाए। तो इस तरह से ये प्रयास जनपद में इस समय चल रहा है सर। गया है कुछ कांजी हाउस केंद्र, 24 कांजी हाउसेस हमारे जनपद में कार्यरत हैं, जिनमें भी गौ संरक्षण का कार्य इस समय वर्तमान में संचालित है सर। इस प्रकार जो भी निराश्रित या लावारिस हैं, जी सरकारी विभाग के बाहर किस तरह से बुलाया गया था? अच्छा, देखिए इसमें ये एक गोकुल गोवंश आश्रम स्थल समिति का इसमें गठन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य इस समिति के 4 दिनों में उसका संचालन हम प्रारंभ कर देंगे 1000 की क्षमता का, और एक और जिसके बनने की तैयारी है नजदीक में, जिसके लिए 6 जमीन प्राप्त हो गई है। और इसके अलावा गांधी हाउसेज हैं हमारे जिला पंचायत के और ग्रामीण, जो एक कोऑर्डिनेशन एफर्ट की जरूरत होती है, जो तमाम जो उसमें दिक्कतें आ रही होती हैं उसको डिस्कस करने के लिए इस फोरम को रखा गया है। और सभी SDM, सभी हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं इसके सदस्य हैं। इसमें सबसे पहले का क्रिएशन किया था, तो हमें भी प्रयास करके इस समिति के अंतर्गत एक कॉर्पस बनाना होगा, जिससे कि भविष्य में अगर कहीं पे किसी प्रकार के एडिशनल रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़े या कहीं पे अगर किसी नवीन प्रयास की आवश्यकता पड़े, तो हम नगर निगम ने जो अभी तैयार किया है, आपके यहाँ पे अभी गोवंश आने लगे अभी नहीं आए, जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पे DM साहब का एक प्रपोजल था कि वहाँ पे हम कुछ जो गोबर इत्यादि कर सकती है, लेकिन एक निरंतर रूप से सहायता दे पाना संभव नहीं होता, और एक निरंतर रूप से किसी अधिकारी को भी किसी गोवंश आश्रय स्थल पे बार बार उसको मतलब फॉलोअप करना बार बार उसके लिए हमेशा के लिए संभव नहीं रहता। तो अच्छा ये रहेगा कि हम इस पर भी विचार करें कि इन सब जो आश्रय स्थल जो सब हमारे क्रिएट हो रहे हैं
इनको हम सेल्फ सस्टेनिंग कैसे बनाएं। अगर कहीं हजार की क्षमता है तो वहाँ पे एक केयर टेकर खुद ही कर पाएगा, उसके अनुपात में रखना पड़ेगा। तो उसके उसके व्यय का वहन करने के लिए हमें आवश्यकता है कि हम भी एक कॉर्पस फंड क्रिएट करें। लखीमपुर खीरी ने बहुत अच्छा कॉर्पस फंड क्रिएट किया हुआ है, उनकी समिति का कॉर्पस फंड अराउंड 1 करोड़ है।